हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ शॉर्ट टाइम सीक्रेट। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आज के टाइम में देखी जानी बहुत ही आम बात हो गई है। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं आज के टाइम में महिलाओं के फेस पे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि नॉर्मली हर एक घर में कम से कम 2-3 महिलाओं को ज़रूर होती है। ये जो प्रॉब्लम है, ये जिसको कहते हैं पिगमेंटेशंस, जिससे कि हमारे चेहरे पे काले काले थोड़े से डार्क धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि धीरे धीरे हमारे गालों से लेकर, हमारी नाक से लेकर, माथे से लेकर पूरे हमारे फेस पे फैल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप मेरी वीडियो स्किप ना करें, इसको पूरी अच्छी तरीके से देखें, ताकि जो भी मैं आपको बता रही हूँ तो वो चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझें, और जिस तरीके से मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ आप सेम उसी तरीके से इसे बनाएं और इसी तरीके से इसको यूज़ करें। फ्रेंड, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, और जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से नई चीज़ कर पाते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल पूरा टाइम दें मुझे, ये वीडियो 5-6 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। तो फ्रेंड, आप अपनी स्किन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं। चलिए फ्रेंड, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड, मैं जो आज बात कर रही हूँ, ये बात कर रही हूँ पिगमेंटेशन की। फ्रेंड, हर कोई अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहता है, सभी चाहते हैं कि उनकी जो स्किन है वो हमेशा दमकती रहे, पर ऐसा हो नहीं पाता। लोगों को अक्सर त्वचा से संबंधित समस्याएँ होती ही रहती हैं किसी न किसी रूप में। उनमें से ही एक प्रॉब्लम ये रहती है कि उन्हें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड, ये एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारी फेस की सारी खूबसूरती ख़त्म कर देती है। और एक बार अगर पिगमेंटेशन हमारे फेस पे बन जाए और हम ध्यान ना दें, तो वो इतनी इजीली तरीके से नहीं जाती है। पिगमेंटेशन के बारे में हम जान लेते हैं, पिगमेंटेशन क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। देखिए फ्रेंड, आप इसका चाहें तो घर बैठे बैठे इलाज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे फेस पे पिगमेंटेशन हो गई है और हम केमिकल्स वाली क्रीम्स यूज़ करेंगे, तो हो सकता है उसके हमारे फेस पे साइड इफ़ेक्ट हो जाएं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो हमें शुरुआत पहले घरेलू तरीके से करना चाहिए, हो सकता है उससे हमारे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगी, और ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रेंड, पिगमेंटेशन क्या होती है वो आप जानते ही हैं, इसमें एक काले कलर के धब्बे होते हैं जो कहीं कहीं से त्वचा का रंग डार्क कर देते हैं, कहीं से लाइट रहता है, कहीं से डार्क हो जाता है। तो फ्रेंड, मैं आपको और बता दूं, इसे हाइपोरोजिंग भी कहा जाता है। किसी के चेहरे पर इसके निशान छोटे होते हैं और किसी के चेहरे पर काफ़ी बड़े हो जाते हैं। वैसे ये हानिकारक नहीं होता उतना, लेकिन उस मसलों में यह देखा जाता है कि वक्त रहते ये इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिसका संभव नहीं रहता इलाज। अगर आप लेडी हैं, आप अभी मम्मा बनी हैं, तो फिर ठीक है, अगर अभी आपके स्किन पे ये धब्बे पड़े हैं तो आप जल्द से जल्द इसका इलाज करा लें। नॉर्मली ये जो सबसे ज़्यादा पड़ता है, ये धूप के कॉन्टैक्ट में आने से पड़ता है। फ्रेंड, पिगमेंटेशन में हमेशा हमारी स्किन जो है वो अस्वस्थ ही दिखने लगती है, काफ़ी मुरझाई सी लगती है। उसके अगर हमारे फेस पे पिगमेंटेशन है, तो ग्लो और पिगमेंटेशन का आपस में कोई संबंध नहीं है। दूर दूर तक हमारा फेस इतना ज़्यादा ड्राई लगने लगता है, उसमें कभी कुछ मतलब कह सकते हैं कि नूर तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ग्लोनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। पिगमेंटेशन होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें कि कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अनुवांशिक लक्षण हो सकते हैं, अधिक समय तक धूप में रहना हो सकता है, जैसे हम मार्केटिंग वर्क कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और या फिर हमें ये जो गर्भ निरोधक टैबलेट्स होती हैं, जो लोग इसका ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, उसमें भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ करें कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 30% ही लोग इसका यूज़ करते हैं इंडिया में, 70% लोग इसका यूज़ नहीं करते। और फ्रेंड, सच मानिए तो इसके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं कि सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे स्किन को सन से प्रोटेक्ट करती है। हमें ऐसी क्रीम देखना चाहिए जो हिंदुस्तान में इंडियंस स्किन के लिए अच्छी रहती है, और जो कि हमारी स्किन को धूप से बचाएगी। फ्रेंड, बहुत ज़रूरी है अपना ख्याल रखना। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, तभी हम दूसरों से कर पाते हैं। अगर हम अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे,
तो कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी पहचान ही हमारा फेस होता है, और अगर हम इसका ध्यान ना रखें तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम किसी और चीज़ का ध्यान इतने अच्छे तरीके से रख पाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैं आज आपको एक ऐसा मार्क्स बताने वाली हूँ, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके फेस पे 100% वर्क करेगा, 100%। फ्रेंड अगर आप चाहें तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप और भी वीडियोस देख सकते हैं पिगमेंटेशंस के लिए। अगर YouTube पे आप इन चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ, अगर आप इन चीज़ों को लेकर चीज़ें सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये चीज़ें आपके फेस के लिए कितना अच्छी है। ये आपके फेस से जो डार्क स्पॉट है वो भी ख़त्म करेगा, पिगमेंटेशन ख़त्म करेगा, मुहासे ख़त्म करेगा। फ्रेंड अगर आप प्लीज़ मेरे कहने से इसको ज़रूर यूज़ करें, इनमें से अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दूर चली जाएगी। फ्रेंड आप इस रेमेडी को फॉलो ज़रूर करें, आप एक बार इसे हफ्ते में एक बार यूज़ करें, हर हफ्ते आप यूज़ करें, आप इसका इतना नेचुरल रिजल्ट देख पाएंगे। अगर आपके क्या बोलते हैं मुहासे होते हैं फेस पे, और मुहासे होने के बाद फ्रेंड उसके जो ब्लैक ब्लैक करके स्पॉट से पड़ जाते हैं, अगर आप उसमें भी इस चीज़ को लगाएंगे तो वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप सबसे पहले इसे मुहासों पे ही लगा के देख लीजिएगा, क्योंकि पिगमेंटेशन को तो आप इतना नहीं समझते, हर कोई नहीं समझता, बट इसको लगाकर आप अगर आप देखेंगे तो आप उस प्रॉब्लम में ही देख पाएंगे कि कितना जल्दी इसका रिजल्ट है। जैसे कि अगर आपके फेस पर मुहासे हैं तो आप इसको रात को लगा के सो जाएं, मॉर्निंग में आप देखेंगे कि मुहासे आपके गायब हो गए हैं, और जब आप इसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपके इंशाल्लाह वो धीरे धीरे कम होते होते एक दम को ख़त्म हो जाएंगे और स्पॉट भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। प्लस ये पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा वर्क करता है, इससे अच्छा कुछ नहीं है, कोई क्रीम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म कर दे। फ्रेंड जो बाजारी चीज़ होती है उसमें इतने केमिकल्स होते हैं, हमारे फेस को हमेशा हमें केमिकल्स से दूर रखना चाहिए, और हमारे फेस पे नो रिक्स, जो भी अगर आप कोई चीज़ यूज़ करें तो वो नेचुरल होनी चाहिए। तो फ्रेंड अब मैं शुरू करती हूँ कि इस जो फेस मास्क है इसको हमें बनाना कैसे है। इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए होगा, इसके लिए सिर्फ हमें चाहिए होंगी 3 चीज़ें, जिसमें कि पहली चीज़ है दही, बनाना। फ्रेंड मेरा छोटा चेहरा है तो मैं इतना ही बनाना लेती हूँ, ये हमारे लिए मेरे लिए सफिशिएंट रहता है। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से लें, अपने फेस के हिसाब से। और तीसरी चीज़ जो चाहिए होगी वो मुझे चाहिए होगा चावल का आटा, कच्चे चावल थे फ्रेंड, इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, उसके बाद इसको आटा बना लिया है, मतलब पीस लिया है, महीन कर लिया है, तो ये मैंने घर में ही तैयार किया है। फ्रेंड आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा जो हमारा जो बनाना होता है, अक्सर हम इसका केले का जो ये होता है छिलका होता है इसको हम हमेशा फेंक देते हैं। फ्रेंड आपको नहीं पता या पता भी होगा पर आप यूज़ नहीं करते होंगे, ये हमारे मुहासे पे स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है, बनाना खाना जितना अच्छा है ना उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट है हमारे फेस पे लगाने का, उतना ही अच्छा है ये फेस के लिए हमारा। तो फ्रेंड आप जब भी केला खाएं तो उसके छिलके को ना फेंकें, उसको आप लेकर अपने फेस को इस तरीके से, केला लिया और केले को इस तरीके से छील लिया, इसको छीलने के बाद ये जो इसका वाइट पोर्शन है ना फ्रेंड ये, ठीक है, इससे आपको नॉर्मली अपने चेहरे पे, अगर आपके चेहरे पर मुहासे हैं तो आप इसको इस तरीके से अपने चेहरे पर मसाज कर लें, इस तरीके से। फ्रेंड आराम से आप इस मसाज को 10 मिनट दें, 10 मिनट देखने के बाद देखेंगे आप कि 10 मिनट आप इतना रिलीफ पाएंगे, अगर आप कंटिन्यू एक हफ्ते कर लेंगे, एक हफ्ते आप करके देखिए, अगर आपके चेहरे पे मुहासे हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे, इसके स्पॉट हैं वो नहीं जा रहे, तो आप ये करके देखें, इससे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएंगे आपके। तो फ्रेंड इसका आप ज़रूर यूज़ करें। फ्रेंड अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मास्क मुझे तैयार कैसे करना है। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको इसको, इसके जो छिलका होता है ठीक है, इसको काट लेने हैं, और ये जो ब्लैक जो होता है, जो इसकी ब्लैक ब्लैक हो वो सब आपको हटा देना है, ठीक है। और आपको लेना है आधा केला, इसमें दही, और आपको चाहिए होगा इसमें चावल का आटा, ठीक है फ्रेंड। सो फ्रेंड चावल का आटा, दही और केले के छिलके का मैंने एक फाइन पेस्ट बना लिया है ग्राइंडर में ग्राइंड करके, और फ्रेंड इसको इस तरीके से आप अपने हाथ अपने फेस पे लगा लें इस तरीके से, और 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। 15 मिनट बाद जब ये सूख जाए तो आप इसको सादा पानी के साथ धो दें,
फ्रेंड ये आपको हफ्ते में एक बार करना है। फ्रेंड अगर आप इसको लगातार यूज करते हैं तो आप इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देख पाएंगे। और अगर बहुत टाइम से आप इस समस्या को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये समस्या आपके बिल्कुल करके खत्म हो जाएगी। फ्रेंड मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और फ्रेंड क्योंकि हो सकता है कि उनको इस रेमेडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।